पहली खबर, घर में घुसकर की अश्लील हरकत, कहा शारीरिक संबंध करने दो वरना हो जाऊंगा बीमार। अहमदाबाद के जुहापुर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक 24 साल की महिला ने एक शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि एक 40 वर्षीय अनजान शख्स उनके घर में घुस गया। इसके बाद उसने महिला की दोनों बाहों को पकड़ लिया और शारीरिक संबंध बनाने को कहने लगा। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया कि वह शख्स कथित तौर पर महिला से शारीरिक संबंध बनाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। आरोपी व्यक्ति ने कहा कि मेरे डॉक्टर ने मुझे शारीरिक संबंध बनाने की सलाह दी है, यदि तुम मुझे प्यार नहीं करने दोगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया कि मेरे पति ऑफिस में गए हुए थे और मैं घरेलू कार्यों में व्यस्त थी। इसी दौरान एक दाढ़ी वाला अनजान शख्स घर में घुस आया और मुझसे कहने लगा कि मैं सुंदर हूँ और वह मेरी जैसी ही किसी महिला से शादी करना चाहता था। इतना ही नहीं, महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि यह कहते हुए उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और जबरन किस करने लगा। इसके बाद उसने यह भी कहा कि डॉक्टरों ने उससे कहा है कि यदि वह अब शारीरिक संबंध नहीं करता है तो वह बीमार पड़ जाएगा। महिला कहती है, मैंने उसे बताया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे पति नौकरी पर गए हुए। फिर मैं उससे खुद को छोड़ने को कहने लगी। मैंने उसे यह भी बताया कि मैं गर्भवती हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता महिला से कहा कि वह उसकी दोस्त जैसी है, ऐसे में उसे उसका मनोरंजन करना चाहिए। आरोपी ने महिला से उसके जैसे ही किसी औरत से शादी कराने में उसकी मदद करने के लिए भी कहा। आगे महिला ने अपने शिकायत में कहा है कि जब वह गुस्से में उससे कहा कि हमारी उम्र में बहुत अंतर है तो वह घर छोड़कर वहां से भाग गया। पौना डैम में डूबने से बिहार के युवक की मौत। डैम में डूबने से युवक की मौत हो गई। यह घटना आज दोपहर 1:30 बजे के आसपास घटी। बता दें कि पिछले 2 हफ्तों में डैम में डूबने वालों की संख्या 3 तक पहुंच गई है। घटना के बाद पूरे परिसर में खलबली मच गई है। मृतक का नाम अतुल अनिल कुमार गगन, उम्र 23 साल, निवासी पटना, वर्तमान पता इन्फोसिस हिंजवड़ी है। मिली जानकारी के अनुसार हिंजवड़ी के IT पार्क से 5 युवक दोपहर को पवन डैम में घूमने के लिए आए थे। वह सभी तैरने के लिए डैम में उतरे थे। इस दौरान अतुल की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही लोनावला ग्रामीण पुलिस और शिवदुर्ग मित्र रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। रेस्क्यू टीम की कड़ी मशक्कत के बाद 4:45 बजे के आसपास अतुल के शव को पानी से बाहर निकाला गया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।